नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जसपाल सिंह और मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल गिल ट्रक बॉडी समाना पर। जैसे कि आप देख सकते हो, हमारे सामने खड़ी है टाटा 3718 BS4 मॉडल। गाड़ी की आपको बात बता देता हूं, गाड़ी यह है उत्तर प्रदेश की गाड़ी है, कासगंज की। ओवरलोड बॉडी है जी, इसकी आप लोगों में खासियत बता देता हूँ। सबसे पहले फ्रंट से शुरुआत करते हैं। फ्रंट भोलेनाथ जी का परिवार का उनका मंदिर बना हुआ है। ऊपर LED लाइट्स लगी हुई हैं। टूल के आप देख सकते हो, ऊपर पाइप नहीं लगाया हमने, क्योंकि जहाँ ये गाड़ी चलती है वहाँ ऊंचाई कम है और पाइप वगैरह तारों के साथ लग जाता है। इस वजह से पाइप की प्रॉब्लम के कारण हमने पाइप नहीं लगाया, तो गाड़ी ज़्यादा से ज़्यादा डाउन रखी है ताकि तंग गलियों में गाड़ी जा सके। ये देख सकते हो आप, स्टील का काम हुआ हुआ है फ्रंट से सारा, टोटली गोल्डन टच। अगर आपको काम पसंद है ये, तो प्लीज़ एक लाइक जरूर दबाएं और हमारे YouTube चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। LED लाइट्स हमने लगा कर दिए साथ में। देख सकते हो साइड व्यू आपको हम दिखा देते हैं। गिल ट्रक बॉडी बिल्डर समाना ने ये गाड़ी तैयार की है। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर 9041144223 आप नोट कर सकते हैं। कैबिन का व्यू पहले हम रिव्यू करवाते हैं आपको, बाद में बॉडी का बताएंगे। ये देख सकते हो आप, 3D डिज़ाइन पोस्टर्स, 12 इंच का पंखा, स्पीकर्स, गोल्डन टच दिया हुआ है पीछे। हेलो, आ गए जी, आ गए। ये देख सकते हो आप, कनेक्टर साइड मिरर लगाया हुआ है ताकि ड्राइवर को आसानी रहे कि वो साइड पर कोई मोटरसाइकिल कार स्कूटर वाला आसानी से देख सके, ताकि एक्सीडेंट्स का बहुत ही ज़्यादा बचाव हो सके। वाटर बोतल स्टैंड लगा हुआ है, सफाई वगैरह करने के लिए बॉक्सेस लगाया हुआ है, वो गिलास मंदिर के लिए गिलास लगाया हुआ है, बॉक्सेस लगाए हुए हैं दोनों तरफ सामान वगैरह इजीली रखने के लिए। इसको आप लॉक भी कर सकते हो यहाँ से। प्रेशर हॉर्न, प्रेशर हॉर्न में आपको एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा, इसमें मैं प्रेशर हॉर्न नहीं चला कर दिखाऊंगा, क्योंकि यहाँ आसपास घर हैं तो उस कारण मैं प्रेशर हॉर्न नहीं चला सकता, पर म्यूज़िक सिस्टम मैं आपको ज़रूर चला सकता हूँ। सिस्टम ब्लोअर का, हेलो, हाँ बूटे आ गया, आ गया, हाँ हाँ पहुंची हुई है, बुला लो बुला लो। ओके सॉरी, फोन आ गया था। देख सकते हो आप ब्लोअर की सेटिंग, आपको चला कर दिखाता हूँ ब्लोअर। ये देखिए आप, चूड़ा वगैरह यहाँ टांगने के लिए मंदिर बनाया हुआ, पाइप लगाया हुआ है। सीट कवर बना कर दिए हमने पैरों की आसानी के लिए, जूता वगैरह ना फंस सके, क्योंकि जूते की जो एड़ी होती है वो फंस जाती है जहाँ पे, तो कई बार ब्रेक पैडल नहीं चल पाता,
तो इसको हमने देखो आपने एक्सटेंड किया हुआ है, पूरा पूरा कट लगाया हुआ है ताकि ब्रेक वगैरह इजीली पूरा पूरा ही स्पेस मिल सके, हमें कोई सडनली कोई ब्रेक लगानी पड़ जाए तो कोई भी किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। एडजस्टेबल सीट है, आप सीट को देख सकते हो, आप यहाँ से आपको आगे पीछे कर सकते हो, यहाँ से लिफ्ट कर सकते हो ऊपर नीचे आगे से पीछे से। सीट बेल्ट यहाँ पे लगी हुई है, आप देख सकते हो रोलिंग सीट बेल्ट लगी हुई है। बॉडी का व्यू हम दिखाते हैं, 11 बत्ते डाले हैं गाड़ी में, ऊपर चैनल लगा हुआ है जिसमें से हमने 4 डबल किए हैं, 4 फिट की चादर लगाई हुई है 10 गेज की और ऊपर 2.5 फिट की लकड़ी है। अंदर से इसकी चौड़ाई 90 इंच है और इसकी लंबाई 28.5 फीट, ऊंचाई इसकी 7 फीट, चैनल के साथ पाइप के साथ ऊपर तक देख सकते हो आप स्टील मगराट लगे हुए हैं, दिल्ली जाला लगा हुआ है। दिल्ली जाला खोल सकते हो आप, कभी भी आपको खोलना पड़ जाए तो आप आसानी से खोल सकते हो क्योंकि यहाँ पे डीजल टैंकी लगवानी पड़ती है कस्टमर को, तो ये खुलकर फिट हो जाएगा। ये देख सकते हो आप प्लेट लगाई हुई है जैक वगैरह लगाने के लिए अगर गाड़ी कल को स्लिप करती है। और एक और ख़ासियत जो बहुत ही कम लोग करते हैं, ये देखिए आप रकाबें डाली हुई हैं, ये रकाबें ऊपर से डाली हुई हैं, देख सकते हो आप नीचे को आ रही हैं और नीचे नट बोल्ट लगाए हैं इसमें, वो देख सकते हो आप नीचे नट बोल्ट हैं। और दूसरी साइड आप देख सकते हो ये रकाबें हैं, ये ऊपर को डाली हुई हैं, एक साइड नीचे और दूसरी साइड ऊपर को, और गाड़ी का पूरा शिकंजा फंसा हुआ है बॉडी का, बिल्कुल ही कोई किसी भी तरह कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओवरलोड अपन जितना मर्जी माल भर लेना, 1400 स्क्वायर फीट 1500 स्क्वायर फीट फुल गारंटी का काम है हमारा, किसी भी तरह कोई प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी आपको। ये देखिए पीछे डबल प्लेट लगाई हुई है, 5 mm डबल प्लेट लगाई हुई है ताकि JCB अगर गाड़ी का स्लिप होती है पीछे से धक्का लगाना पड़ जाता है। तो ये यहाँ चेसिस पर वेल्ड की हुई है, चेसिस पर और नीचे और ऊपर दोनों, और इसको धक्का लगाने के लिए आपकी चेसिस को नुकसान नहीं होगा, अंदर जो प्लेट लगी होती है तो उसको आप धक्का लगा कर ईजिली कर सकते हो। इसका बम्पर है जो ऊपर किया हुआ है, 3 फिट का डाला बनाया हुआ है इसका, लोहे के स्पेयर फटे हैं, 5 स्पेयर फटे लोहे के डाले हुए हैं गाड़ी में। संगल वगैरह को टांगने के लिए इजली खड़ाने के लिए स्पेशल कुंडी लगाई हुई है, अगर कई बार माल ज़्यादा भर जाता है तो डाला नहीं बंद होता तो उसके लिए स्पेशल कुंडी लगी है जहाँ पे आप पाइप डालकर या कोई छड़ी बेड़ा डालकर डाला लगा सकते हो। ये देख सकते हो आप मधु ट्रांसपोर्ट कंपनी, पुष्पा मार्केट, लोहा मंडी, गाज़ियाबाद, किसी भी कस्टमर के हम आपको नंबर दे सकते हैं, आपको किसी कस्टमर की ज़रूरत है उनका नंबर ले सकते हो आप किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम हो। ये देखिए दीप ट्रांसपोर्ट कंपनी, अमरपुर रोड, कासगंज की यह गाड़ी है, हमारे YouTube कस्टमर बहुत ही उम्मीदों के साथ हमारे पास आए थे और उनको बहुत बहुत ही खुश हैं यहाँ पर काम करवा कर, 8 दिन में उनकी गाड़ी बिल्कुल तैयार है, आपकी गाड़ी भी बिल्कुल ऐसे ही तैयार होगी। गाड़ी की डिलीवरी है आज, गाड़ी बिल्कुल जाने के लिए रेडी है। फ्रंट ब्लेड आप देख सकते हो, वाइपर मशीन, इसको मैं आपको चलाकर दिखाता हूँ कैसे ये काम करते हैं। ये नीचे लगाए हुए हैं, ये देखिए आप बिल्कुल परफेक्शन के साथ काम कर रहे हैं, कोई टेढ़ा नहीं जा रहा, ये देख सकते हो आप। और दूसरी ख़ासियत हमारी बॉडी की है, जो लकड़ी बिल्कुल सूखी लगी है गाड़ी में, बिल्कुल सूखी लकड़ी लगी हुई है गाड़ी में, और जो फ्रंट शीशों की रबड़ है उसकी 20 साल की गारंटी है। अगर 20 साल में रबड़ बिल्कुल भी कटती है तो हम आपकी बॉडी फ्री लगाएंगे,
क्योंकि इस कस्टमर को जो है बहुत प्रॉब्लम आती है, क्योंकि हमारे पास कस्टमर आते हैं बहुत दूर दूर से, तो वो कहते हैं भैया जी हमने वहाँ पे बॉडी लगाई थी, वहाँ का ये माड़ा है, यहाँ वो माड़ा है, तो आपको हमारे पास बिल्कुल भी वो चीज़ नहीं देखने को मिलेगी। देख सकते हो हम अंदर दोनों साइड खिड़की लगाई हुई है, ये दूसरी साइड भी लगाई हुई है, स्पेयर पाइप, स्पेयर पौड़ी, स्पेयर सरिया, डो में आप देख सकते हो फुल मजबूत डो है, कांटी डली हुई है, चैनल लगे हुए हैं, चैनल को नीचे से आपको देख सकते हो सपोर्ट दी हुई है, फुल सपोर्ट दी हुई है चैनल से, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जिन्होंने आखिरी तक वीडियो देखा है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दबाएँ, बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी जनाब आपकी, धन्यवाद।